बेटा फोन ही हैंग कर गया था, एक मिनट रुकना, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात की कि यहाँ हमारे पास क्या है। बेटा ओपन हो गया, बेटा फाइल दिखाई दे रही है आपको? हाँ यस सर। हाँ बेटा, वो फोन ही मेरा हैंग हो गया था, एक मिनट रुकना। चलिए, तो यहाँ तक हमने बात क्लियर कर ली थी, आगे हम बात कर रहे थे, सेकंड पेज पे आ गए थे हम। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो हम बात कर रहे थे कि हमने बात की ऊजेनेसिस की। तो ऊजेनेसिस वैसी कहानी चल रही है कि भाई आप ऊजेनेसिस हमने स्टार्ट किया ओवरी के अंदर, और ओवरी सबसे पहले क्या बनाएगी, ओगोनियम। और ओगोनियम कैसा होता है, 2N। क्यों? क्योंकि जो प्राइमोडियम जर्ज सेल्स होती है फीमेल के अंदर, वो माइटोसिस के थ्रू क्या बनाती है, ओगोनियम। ओगोनियम के आगे, ओगोनियम से क्या बनेगा, वो फिर से क्या करेगी बेटा, माइटोसिस ही करेगी। और वो क्या रिजल्ट में देगी आपको, एक तो देगी ओगोनियम और दूसरा क्या देगी, प्राइमरी ओसाइट। एक तो देगी ओगोनियम और दूसरा क्या देगी, प्राइमरी ओसाइट। क्लियर है? अब ये प्राइमरी ओसाइट पहली बार, जैसे कि स्पर्म मेल के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहली बार मियोसिस फर्स्ट में एंटर करती है, सेम सेम एज इट इज आपका प्राइमरी ओसाइट भी किसमें एंटर करेगा, मियोसिस फर्स्ट के अंदर। लेकिन वहां तो मियोसिस फर्स्ट, अब वो जो प्रोसेस चल रही थी, वो चल रही थी, याद रखना, जो आपने स्पर्मेटोसाइट जो प्रोसेस पढ़ी है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस पढ़ी है, वो एक्चुअल में आपका कहां चल रहा था, वो चल रही है आपकी एक्चुअल में आपके, जब वो मेल बॉडी अपने मतलब 12 से 13 साल का वो पर्सन हो जाता है, मतलब वो जो मेल बॉडी है वो कितने एज में पहुंच गई है, 12 टू 13 ईयर। लेकिन ये जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, ये जो ऊजेनेसिस जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट कब हो गया है, जब फीमेल खुद एक एम्ब्रियो है। बात समझ आ रही है कि जब फीमेल क्या है, एक खुद अभी एम्ब्रियो है, राइट, ये अभी यूट्रस के अंदर है और एम्ब्रियल एम्ब्रियोनल फॉर्म में, उसी टाइम उसकी जो ओवरीज है वो फंक्शनल हो जाती है। लेकिन वो क्या बनाती है सिर्फ, लेकिन वो क्या बनाएंगी आपके लिए, यहां पर वो सिर्फ क्या बना के दे देंगी, वो सिर्फ आपकी प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट होके उनको अरेस्ट लग जाएगा। अरेस्ट का मतलब वो लॉक हो जाएंगी। किस स्टेज में लॉक होगी, ये लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा हुआ है कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट अरेस्ट लगेगा। और वो अरेस्ट कहां लगा है, G2M चेक पॉइंट पर। कहां लगा है, G2M चेक पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी डिप्लोटीन स्टेज में। कहां लगा है, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन। अब देखो मैं बताता हूं क्या होता है ये, एक बार इसको देखते हैं। बात क्या हो रही है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, ये मेरे पास एक सेल साइकिल है, राइट, ये आपकी है G1, ये आपकी है एस फेज, ये आपका है G2 फेज। और ये हो गया आपका एम फेज, है ना। तो कहता है कि अब जो आपको, अब ये कौन सा है, मियोसिस। तो मियोसिस में भी कौन सा, मियोसिस फर्स्ट, कौन सा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और उसका पहला फेज है, क्योंकि मियोसिस दो बार होता है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। तो जो मियोसिस वन है अभी वो स्टार्ट ही हुआ था, और सेल आपकी अभी एक ही थी, उसने G1 अपना कंप्लीट किया, S1 कंप्लीट किया, अब आ गई G2M चॉकलेट। देखो एक 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 ये पॉइंट होता है, राइट, और एक ये आपका चेक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं, ये वो जो फर्स्ट वाला चेक पॉइंट है, इसका नाम होता है G1S चेक पॉइंट। ये जो चेक पॉइंट होता है इसको बोलते हैं G1S चेक पॉइंट, राइट। मतलब ये चेक पॉइंट का मतलब ये देखता है कि भाई जो जो आपके जीवन में जो काम होना था, इस जीवन वाले सेक्शन में जो काम होना था, क्या वो हुआ है, मतलब आपने अपने ऑर्गेनिल्स का नंबर इंप्रूव किया है, जो जो सारे के सारे इसके अंदर ऑर्गेनिल या साइटोप्लाज्म या जो भी चीजें थी वो इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, वो डबल हुई है कि नहीं हुई है, वो इसको अगर नहीं हुई होगी ढंग से तो वो वापस उसको यही रहने देता है, सेल को आगे नहीं जाने देता, एस फेज में नहीं जाने देगा। अब आपको पता है एस फेज में क्या होगा, हमेशा एस फेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है आशीष, क्या बनता है एस फेज में, क्या किस चीज का सिंथेसिस होता है, कौन से जीवन में सर, एस में, एस में, एस में सर, जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसका। हाँ वेरी गुड, जो एस है, एस के अंदर सिर्फ क्या बनता है बेटा,
जो आपके पास जो आप फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 23 पेयर है क्रोमोसोम के या 46 क्रोमोसोम है, वो डबल कंटेंट में हो जाएंगे, मतलब 46 के 92 आपके पास कंटेंट, मतलब डबल डबल हो जाएगा, हर एक क्रोमोसोम डबल हो जाएगा सिंथेसिस फेज में। फिर वो एंटर करेगा G2 फेज में, और जैसे G2 फेज में आएगा, G2 फेज में जो बचा कुचा जो अभी भी डबल नहीं हुआ है, साइटोप्लाज्मिक चीजें अभी भी डबल नहीं हुई है, उनको हम डबल करेंगे, और डबल करके उनका उनका चेकअप होगा G2M पॉइंट पे। कहां पे बेटा? G2M पॉइंट, इसको बोलते हैं G2M पॉइंट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा? यस सर। क्या हुआ कि जैसे ही आपकी सेल कहां पहुंची? G2M पे, उसको लगा देंगे हम अरेस्ट। क्या कर देंगे? उसको लगा देंगे पहला, ये पहला अरेस्ट लगाया, इसको बोलते हैं फर्स्ट अरेस्ट। और अब वो आगे, क्योंकि वो अभी खुद एम्ब्रियो, जो फीमेल फीटस है वो एम्ब्रियो फॉर्म में है ना, तो वो जब तक वो मैच्योर नहीं होगा, तो जब तक आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड मैच्योर नहीं होगी, वो आपको FSH, वो आपको LH, वो आपको GH नहीं देगी, तो ये प्रोसेस को हम नहीं चला सकते। हाँ, लेकिन हमने किया क्या, हमने अपने पास प्राइमरी ऊसाइड के नंबर इंप्रूव कर लिए, ठीक है, हमने प्राइमरी ऊसाइड के सेल इंप्रूव कर लिए, और उससे क्या हुआ आगे, हमने उसको क्या किया, इस प्राइमरी ऊसाइड को हमने आप इसके अंदर फर्स्ट अरेस्ट लगा दिया, मतलब मियोसिस फर्स्ट चल रही थी और पहला अरेस्ट लग गया, अब वो रुक गई, और वो कहां पर रुकी हुई है? G2M चेक पॉइंट पर। और एक्चुअल में ये कौन सी स्टेज होती है आपकी? ये मियोसिस है वन, और मियोसिस वन को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग, पहले उसमें आती है डिप्लोटीन स्टेज, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, पैकेटीन के बाद पहले आपकी आपकी कौन सी स्टेज आएगी महिमा? पहली स्टेज कौन सी आती है? लेप्टोटीन। वेरी गुड, पहली स्टेज आती है हमारी लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद कौन सी स्टेज आती है? डिप्लोटीन। वेरी गुड, पहले होगी लेप्टोटीन, देन हमारी डिप्लोटीन, उसके बाद पैकेटीन, है ना। तो ये चीज याद रखना कि हम अरेस्ट लगाए वो किस स्टेज में लगा रहा है बेटा आपको, वो आपकी किस स्टेज में अरेस्ट लगा रहा है? डिप्लोटीन। किस में लगा रहा है? डिप्लोटीन। तो ये हमारे प्रोफेज की ये जो जो मियोसिस फर्स्ट है ना, उसकी जो पहली स्टेज होती है, क्योंकि बाकी चार स्टेजेस तो कॉमन होती है कि प्रोफेज आना है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आना है, एनाफेज आना है, और टेलोफेज आना है, ये तो आपका हमेशा कॉमन ही रहेगा, ये स्टेजेस कॉमन रहेंगी। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में आप क्या करते हो, प्रोफेज को फर्दर आप पार्ट में डिवाइड करते हो। तो पहला उसमें लिप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, जाइगेटीन और डाइकाइनेसिस, ये आनी आनी है, ये आपको चार पार्ट हो गए उसके, पांच सॉरी, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन और डाइकाइनेसिस, ये हमारे पास टोटल इसके फेज है ना। हम देखेंगे इसको आगे भी, हम पढ़ेंगे डिटेल में इन स्टेजेस के बारे में भी, लेकिन अभी हमने सिर्फ जनरल बात करनी है। तो कहते हैं कि यहां पर जो अरेस्ट लगाया है वो लगाया है मियोसिस वन के, प्रोफेज वन के किस स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में। तो ये आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा बी सेक्शन के अंदर कि भाई ऊजनेसिस जब चालू होती है एम्ब्रियोनल स्टेज में, तो आपका पहला अरेस्ट कहां लगता है? ये आपको सीधा पूछ सकता है वो कि फर्स्ट मियोटिक अरेस्ट कहां लगा, या प्राइमरी ऊसाइट को अरेस्ट किस स्टेज पर लगता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मियोसिस वन के प्रोफेज वन में, उसकी डिप्लोटीन स्टेज पर। क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हुआ है? यस सर। यस सर। आशीष बेटा क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब बेटा जैसे ही आपकी सेल क्या कर रही है, अरेस्ट लग गया, अरेस्ट के बाद अब क्या होगा? अब ये अरेस्ट क्यों लगा है, इसका रिप्लाई क्या दोगे आप? ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ LH। अभी LH कौन बनाए? LH तो बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बेचारा वो खुद फोइटस में, तो फोइटस का पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप ही नहीं हुई, और जब डेवलप नहीं होगी तो वो हार्मोन नहीं बना। फिर क्या होगा? एट दी प्यूबर्टी स्टेज, जैसे ही वो उसका बर्थ होगा, और बर्थ के बाद वो 11-12 साल की वो फीमेल हो जाएगी, तो उसमें क्या आएगा? प्यूबर्टी स्टेज। क्या आएगी बेटा? प्यूबर्टी स्टेज आएगी। और प्यूबर्टी स्टेज आते ही, जब तक तो प्यूटरी ग्लैंड बन गई होगी, अच्छे से बन गई होगी, और अब वो क्या देगी? LH। और किस अमाउंट में देगी? हाई अमाउंट में। जब आप LH हाई अमाउंट में दोगे तो आपको क्या मिलेगा? वो जो आपका अरेस्ट था वो टूट जाएगा, आपकी प्राइमरी ऊसाइट अब आगे कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी ऊसाइट में। क्या, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? सेकेंडरी ऊसाइट में। समझ आ रही बात? समझ आ गया सभी को बेटा? यस सर।
ओके तो अब क्या हुआ कि हमारे पास जैसे ही आपकी वो प्राइमरी ओसाइट से क्या बना, सेकेंडरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट कब बना था, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि ओसाइट कब बना था, आंसर होगा एम्ब्रियोनल स्टेज, राइट। और वो किस स्टेज में उसको अरेस्ट लगा, तो आंसर होगा मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में डिप्लोटिन स्टेज पर, राइट। फिर वो बोलेगा कि भाई ये गायब कब हुआ, तो आप बोलोगे कि जैसे ही आपकी फेल का बर्थ होगा और वो अपनी प्यूबर्टी स्टेज पर पहुंचेगी, यानी कि वो 11 से 13 साल के बीच में पहुंचेगी, तब उसकी वो जो प्यूबर्टी है, मतलब जो आपके पास जो प्राइमरी ओसाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी ओसाइट में। तो ये याद रखना कि जब भी आप नॉर्मल, अगर हम बात करते हैं जब आप मेल के केस में थे, तो मेल के केस में क्या हो रहा था, मेल के केस में जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, जब वो कन्वर्ट हो रही थी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो आपको टोटल आपके जो आपके पास जो सेल्स निकल के आ रही थी, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थी, राइट, वो मिली थी 2। लेकिन जैसे ही आपने अगला वाला किया, जो अपना सेकेंड मियोसिस किया, तो आपको रिजल्ट में कितनी सेल मिली, 4। फर्स्ट जब मियोसिस हुआ तो आपको 2 मिली, सेकेंड मियोसिस हुआ तो रिजल्ट में कितनी सेल मिली आपको, 4। सेम एज इट इज, यहां पर क्या होता है कि प्राइमरी ओसाइट क्या बनाएगा, सेकेंडरी ओसाइट। तो यहां देखो, यहां आपको कितनी मिल रही है, जब आपने मेल वाला काम किया तो मेल में जब फर्स्ट मियोसिस होगा तो 2 सेल मिली, लेकिन जब ये वाली सेल फीमेल के अंदर आपकी प्राइमरी ओसाइट जब बना रही, तो सेकेंडरी ओसाइट की 1 ही मिल रही है, जो दूसरी आपकी जैसे 2 बननी चाहिए थी, लेकिन जो दूसरी है वो एक, क्योंकि ये अनइक्वल डिवीजन होता है, और अनइक्वल डिवीजन से क्या होगा कि आपको एक छोटी सी सेल बनेगी यहां पे, उसको आप क्या नाम दोगे, उसको हम बेटा क्या नाम देंगे, प्राइमरी पोलर बॉडी। क्या नाम दोगे, प्राइमरी पोलर बॉडी। अब जैसे ये स्टेज बन गई, राइट, जैसे ही आपकी ये स्टेज बन जाएगी, अब क्या होगा, अब देखो, अब और फिर से आपका एक सेकेंड अरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो क्यों कैसे होगा, अब क्या हुआ कि जैसे ही जो ये हमारे पास क्या बन गई थी, हमारी सेकेंडरी ओसाइट है ना, सेकेंडरी ओसाइट में के साथ क्या बना, 2 सेल बनी है, एक छोटी है एक बड़ी है, जो बड़ी है उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट, और जो छोटी है उसको बोल रहे हैं प्राइमरी पोलर बॉडी। ये 2 सेल बनी, इसको बाद में जो प्राइमरी पोलर बॉडी है ये बाद में क्या करेगी, डीजनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इसके अंदर होता क्या है, डिस्कार्डेड जेनेटिक मटेरियल, जो आपको जिसकी आपको जरूरत नहीं है, राइट, उसको हमने यहां पे रख रखा है ना, उसकी आपको इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमने क्या किया, जो खराब, क्योंकि हमें यहां पे बनाना क्या, ओवम होता है सिंगल, तो हमें सिंगल ओवम बनाना है, तो बाकी वैसे बनती है 4 सेल, रिजल्ट में बनेगी 4 सेल, मियोसिस से हमेशा रिजल्ट में 4 सेल बनती है, लेकिन हम क्या करेंगे, 3 को तो हम खत्म कर देंगे, 1 ही को रखेंगे। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कितनी पोलर बॉडी बनती है, तो रिजल्ट में बोला 3, वो कैसे बनेगी अभी हम देखेंगे भी लास्ट में, 3 पोलर बॉडी बनेगी, लेकिन उससे पहले कि हम सारी बातों को समझ ले, उसने बोला कि भाई आपके पास क्या हुआ कि जो आपकी सेकेंडरी ओसाइट थी और एक पोलर बॉडी बन गई, अब चलेगा मियोसिस सेकेंड। जैसे ही मियोसिस सेकेंड चलेगा, अब लगेगा दूसरा अरेस्ट, पहले लग गया था, अब जब ये दूसरा अरेस्ट लगा वो किस स्टेज पे लगा, मेटाफेज सेकेंड, मतलब अब आप आ गए हो, अब आप चल रहे हो, मियोसिस सेकेंड कर रहे हो, मियोसिस सेकेंड में वही स्टेज आएगी पहली प्रोफेज, लेकिन यहां प्रोफेज को आपने सब डिवाइड नहीं किया, मतलब प्रोफेज को आपने लेपोटीन, डिप्लोटीन या पैकेटीन या जाइगोटीन या डाइकनेसिस में कन्वर्ट नहीं किया है। यहां पर क्या है कि आपके पास जो आपकी प्रोफेज है वो सिंपल टाइप की है, फिर आप किसमें चले जाओगे, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज, इसमें जाओगे। लेकिन जैसे ही मियोसिस आपका सेकेंड हुआ बेटा, स्टार्ट हुआ, जैसे ही आपका मेटाफेज 2 स्टार्ट हुआ, प्रोफेज आराम से क्रॉस कर ली, मेटाफेज आपने जैसे आए, मेटाफेज में आपको लग जाएगा दूसरा अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है रुक जाना, अब वो सेल आगे नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही, पहले वाला जो अरेस्ट लगा था उसमें क्यों नहीं काम कर रही थी, क्योंकि उसको LH नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था बेटा, आवाज साफ आ रही है बेटा? यस सर। तो अब जो पहला जो आपके पास अरेस्ट लगा था वो कैसा लगा था बेटा, वो लगा था आपको ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ LH हार्मोन, है ना। अब यहां पर क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ड्यू टू द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ MOS, मॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ड्यू टू द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मॉस। और जब मॉस आपके पास रहेगा, ये एक आपका क्या, एक साइटोस्टैटिक फैक्टर होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको मॉस। ये देखो हमने वहां नहीं पढ़े थे जब हम ग्रेजुएशन में थे, तब या आप MSc में हो गए, तब क्या पढ़ा था क्या आपने, ये चीज पढ़ी हुई है क्या आप लोगों ने? नो सर।
हाँ तो अब हमें ये पता लगा है। आशीष बेटा आवाज आ रही है? यस सर। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो सेकंड अरेस्ट लगा है वो लगा है मियोसिस सेकंड की मेटाफेज स्टेज में। क्यों लगा है? क्योंकि आपके पास एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं साइटोस्टैटिक फैक्टर। क्या बोलते हो? साइटोस्टैटिक फैक्टर, यानी उसका नाम है मॉस। ये मॉस क्या करता है? ये रोक देता है किसको? एपीसी को। अब ये एपीसी क्या बला है? एपीसी होती है एनाफेज प्रमोटिक कॉम्प्लेक्स। मतलब मेटाफेज के बाद क्या आएगा? एनाफेज। तो ये जो मेटाफेज से जब आपने एनाफेज में आना है तो इसके लिए आपके पास प्रमोटर होता है, उसको बोलते हैं हम एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इसको ये क्या कर देता है? इनहिबिट। ये जो जब भी जब हम ये ऐसे एरो बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई आपकी ए चीज बी की तरफ जा रही है या बना रही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये ए है और ये ऐसे कर रहा है, ये मैंने अगर मैंने ये साइन बनाया है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ए है वो बी के काम को रोक रहा है। क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। समझ आ गई बेटा? क्लियर हो गया? इस सिंबल के इस सिंबल का मतलब पता लग गया? यस सर। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो ए है वो बी को रोक रही है, राइट? ये बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ? जो सेकंड अरेस्ट लगा वो लगा मेटाफेज सेकंड में। इसलिए लगा क्योंकि आपके पास एक साइटोस्टैटिक फैक्टर था, एक साइटोस्टैटिक फैक्टर था जिसको बोलते हैं मॉस। और जब तक मॉस प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा? आपको क्या नहीं मिलेगा? एपीसी, यानी आपको एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं कर पा रहा। और जब ये काम नहीं कर पा रहा तो फिर आपका ओवुलेशन नहीं होगा, मतलब आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे, अरेस्ट लग जाएगा। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब आगे क्या होगा? अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपकी जो सेकेंडरी ओसाइट स्टेज है जिसमें आपको क्या मिल रहा है, ये आप देख रहे हो, ये आपकी सेकेंडरी ओसाइट स्टेज। और आपको क्या मिलेगा? एक पोलर बॉडी थी। इसी स्टेज के ऊपर आपका क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन। क्या होगा? ओव्यूलेशन। ओवरी अब उस ओव्यूल को छोड़ देगी, मतलब जो आपके पास ओवरी है, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी उसका डायग्राम भी देखेंगे, तो यहां से आपके फॉलिकल स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे बनने वो बड़े होते चले गए, मैच्योर हो गया। तो जब यहां तक आप पहुंचे, ये मैच्योर हो गया, और ये अब किस स्टेज में? सेकेंडरी ओसाइट। किस में है बेटा? सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में। मतलब प्राइमरी जो प्राइमरी वो आ गया सेकेंडरी ओसाइट में, लेकिन अब इस स्टेज में इसको अरेस्ट लगा पड़ा है, ये सेकेंडरी ओसाइट। अब ये यहां से इसको बाहर छोड़ देंगे, तो ये यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है हो गया 14 डेज। ये साइक्लिक मैनर होता है। तो 14 डेज पर क्या होगा? ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन पर जो आपको ओवम मिला है वो कौन सी स्टेज में बैठा हुआ है? सेकेंडरी ओसाइट। कौन सी स्टेज में बेटा? सेकेंडरी ओसाइट पे। क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर हो गया? यस सर। अब आगे देखो, अब देखो क्या हो रहा है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपका आपको क्या अभी ये अरेस्टिंग स्टेज पर है। किस स्टेज पर बेटा? अरेस्ट लगा हुआ है। अब इसका ये अरेस्ट हटेगा कैसे? कैसे आपको आगे जो मेन ऊटेड है या ओवम में वो रिसीव होगा? उसके लिए वो कहता है कि देखो रिलीज होने के प्रोसेस, यहां से जो ओवरी से जो रिलीज हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के टाइम पर जो आपका वो कौन सी स्टेज पर है? सेकेंडरी ओसाइट, है ना। अब वो कहां आ गया? आपकी ओबीडक फिलोपियन ट्यूब में आ गया। और आपको पता है जो हमारी अब एक्चुअल में क्या होता है कि इस तरीके से आपकी तो यहां पर क्या हुआ? अब इस ये जो हमारी ट्यूब है, इस पूरी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? फिलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा? फिलोपियन ट्यूब। और फिलोपियन ट्यूब का ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हो? इनफंडिबुलम। देखेंगे हम आगे डायग्राम में भी, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। और ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्रिया। क्या बोलते हो? फिम्ब्रिया। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इनफंडिबुलम। और ये और यहां पर आपकी क्या है? ओवरी एग्जिस्ट करती है। ये क्या है? ओवरी, ओवरी है। तो इस ओवरी ने क्या दिया? इसको ओवम दिया, राइट? और वो ओवम कहां आ गया? ये आ गया आपका ओवम। इसने रिलीज किया, उसको बोल रहे हैं ओव्यूलेशन। लेकिन ये जो अभी अरेस्ट में, इसको सेकंड अरेस्ट लगा हुआ है, और ये कौन सी सिचुएशन में? सेकंड ओसाइट। अभी ये ओवम नहीं बना। अब क्या होगा? जैसे ही फिलोपियन ट्यूब से होते हुए क्या आएंगे? स्पर्म।
स्पर्म एंटर कर रहे हैं, राइट। स्पर्म की एंट्री से क्या होगा, एग में दोबारा से रीएक्टिवेशन होगी, क्या होगी बेटा, ये लिखा हुआ मैंने यहां पे कि जैसे ओविलेशन हुआ तो रिलीज ऑफ साइट इनटू द ओविडक्ट, ये ओविडक्ट में आ गया, अब स्पर्म की एंट्री हुई, तो आफ्टर द स्पर्म इंटरेक्शन विद एग मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एग ऑफ साइटोप्लाज्म इज स्टार्ट, और इससे क्या होगा, आपके पास क्या है, जो कैल्शियम आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो एग साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आपका स्पर्म एंट्री करेगा, उसकी एंट्रेंस से आपकी एग साइटोप्लाज्म की क्या होगी, एग साइटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिक जो एक्टिवेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उसके अंदर जो कैल्शियम आयन का जो नंबर है वो इंप्रूव हो जाएगा। और याद रखना कैल्शियम आयन कहां रहते हैं, आपके ईआर के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एग के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके जो उसके अंदर कैल्शियम आयन होते हैं वो सारे के सारे आजाद हो जाएंगे, किसके अंदर, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसके रिलीज होने से अब क्या होगा, ये इतनी बात समझ आ गई सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो सर। नो सर। अब आगे क्या होगा, आगे देखो, जैसे ही अब क्या हुआ, जैसे ही बेटा आपके कैल्शियम आयन रिलीज हुए, वो क्या करेंगे, कैल्शियम आयन के रिलीज होने से क्या एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट द कॉलमोड्यूलिन डिपेंडेंट एंजाइम, यानी कि कैम, ये जो कैम जो काइनेज है ना, वो क्या हो गए, कॉलमोड्यूलिन डिपेंडेंट एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, और उनके एक्टिवेशन से क्या होगा, वो मॉस को डीएक्टिवेट कर देंगे। आपको पता है मॉस क्या कर रहा था, अभी पीछे हमने पढ़ा है, आपका जो मॉस था वो क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था, जो मॉस था वो इनहिबिट कर रहा था किसको, एपीसी को, मतलब आपका जो सेकेंडरी ओसाइट है वो अरेस्ट होके बैठा है मेटाफेज सेकंड में, वो मेटाफेज में से आगे एनाफेज में नहीं जा पा रहा, तो वो इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि एपीएस को उसने अरेस्ट करके रखा हुआ है, किसने, मॉस ने, जो आपके पास एक साइटोस्टेटिक फैक्टर था। इस मॉस को भी रोकने वाला एक और आ जाएगा, और उसका नाम क्या है, कैम, क्या नाम है उसका, कैम, लेकिन कैम तभी एक्टिवेट होता है जब उसको मिले कैल्शियम आयन, क्या मिले बेटा, कैल्शियम आयन, तो ये जो कैल्शियम आयन है आपके, ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, कैम को करेंगे एक्टिवेट, कैम जैसे ही एक्टिवेट होगा वो मॉस को करेगा डीएक्टिवेट, और मॉस जैसे ही डीएक्टिवेट होगा तो एपीसी फैक्टर जो है वो आजाद हो गया, यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आजाद हो गया, और आपकी जो अरेस्ट लगा हुआ था वो अरेस्ट खत्म हो गया। तो अगर आपसे पूछता है अरेस्ट को खत्म किसने किया, तो आप बोलोगे एंट्री ऑफ स्पर्म, क्या बोलोगे, एंट्री ऑफ स्पर्म। क्लियर हुआ बेटा, समझ आया फंडा? यस सर। सिंपल है, बस ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि भाई कौन किसको क्या कर रहा है। तो हमने क्या बात की कि भाई हमारे पास जो कैल्शियम आयन थे उनके रिलीज होते ही, कैल्शियम आयन को रिलीज किसने की, जैसे ही आपकी स्पर्म की एंट्री हुई, स्पर्म की एंट्री होने से क्या हुआ, जो आपके पास जो सेकेंडरी ओसाइट जो मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट करके बैठा था, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसने अपने सारे के सारे कैल्शियम आयन रिलीज कर दिए एग के साइटोप्लाज्म में। जैसे वो कैल्शियम आयन रिलीज हुए तो उन्होंने क्या किया, एक्टिवेट किया किसको, कैम को, कैम काइनेज एक्टिवेशन। और ये कैम क्या होता है, कॉलमोड्यूलिन, क्या होता है ये, कॉलमोड्यूलिन डिपेंडेंट एंजाइम होता है जिसको आप बोलते हो कैम काइनेज। और ये कैम काइनेज जैसे ही एंजाइम एक्टिवेट होगा, ये डीएक्टिवेट कर देगा मॉस को, जो आपका क्या है, एक साइटोस्टेटिक फैक्टर होता है। और जैसे ही मॉस आपका रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ द एनाफेज प्रमोटिक कॉम्प्लेक्स, आपका एपीसी, आपका जो एपीसी है जो रुका पड़ा था वो अब एक्टिवेट हो गया, और मियोसिस सेकंड अब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मियोसिस सेकंड के बाद क्या आएगा, मियोसिस सेकंड के बाद क्या जाएगा आपका, पहले चला था प्रोफेज सेकंड, फिर मियोसिस सेकंड, फिर क्या आएगा, जो आपके पास नॉर्मल क्या होती है, हमारा एक्चुअल में फेज कौन सा चल रहा था, हम बात कर रहे थे मियोसिस सेकंड की, हमारा मियोसिस सेकंड चल रहा था, उसमें आपने देखा था प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, है ना। तो ये हमारे कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो अभी अरेस्ट लगा था आपके किसके ऊपर लगा था, जो अरेस्ट हमारा लगा हुआ था वो हमारा कहां था बेटा, इसमें मेटाफेज सेकंड में हमारी चीज रुकी पड़ी थी, मतलब सेकेंडरी ओसाइट और एक पोलर बॉडी बनी थी लेकिन आगे नहीं जा रही थी, वो एनाफेज को क्रॉस नहीं कर रही थी। तो अब एनाफेज भी मिल जाएगा और आपको टीलोफेज मिल जाएगा। और मेटाफेज स्टेज कौन सी होती है एक्चुअल में, मेटाफेज स्टेज पता है ना आपको, याद है क्या नाम, महिमा कौन सी होती है मेटाफेज स्टेज में, होता क्या एक्चुअल में सर, इसमें क्रोमोसोम्स मिडिल में आ जाते हैं। हाँ, वो एक अपने मेटानेफ्रिक प्लेट पे इकट्ठा हो जाते हैं। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे मेरे पास आपकी सेल है,
और वो मेटाफेज स्टेज पर अगर लगी है मतलब न्यूक्लियस, तो उसमें क्या होगा, बीच में एक बनेगी मेटानेफ्रिक प्लेट और उसके दोनों साइड क्रोमोसोम से लग जाते हैं। मतलब अब उन्होंने भागना है अपने अपने पोल की तरफ, ठीक है, इस ये होता है। मैं तो बस ये इसी जगह पे अड़ गए थे, आगे जा नहीं रहे थे ये, तो वो क्यों अड़ गए थे, क्योंकि उनके पास एपीसी नहीं था, क्योंकि एपीसी था उसको इनिबिट करके किसे रखा था, मॉस ने। तो अब मॉस को हमने किसके थ्रू चुप करवाया है, मॉस को हमने दे दिया कैम, जैसे कैम आया मॉस चुप हो गया, मॉस चुप हो गया तो आपका जो एपीसी है, जो आपकी एपीसी है वो अब एक्टिवेट हो गई है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स वो एक्टिवेट हो गई है, और उसके एक्टिवेट होने से अब आप प्रोफेज से पहले मेटाफेज तो आ चुके थे, अब आप चले गए एनाफेज में, और एनाफेज से कहां चले गए, टेलोफेज के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। राइट, आगे चलते बेटा, इसको लगातार ना जैसे आप सुनते हो लिखते हो, तो जब क्लास खत्म हो जाती है तो बाद में इसको सबको अपने हैंड रिटन नोट में उतारो, ताकि आपको पता लगते रहे कि भाई क्या चीज कहाँ चल रही है। राइट, मैंने ज्यादा थ्योरी नहीं लिखी है, सिर्फ मेन मेन बातें लिखी है, ताकि थ्योरी पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है, सिंपल सिंपल बातें हैं, वो आपने सीधे सीधे आगे काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ बेटा एक्चुअल में, अब आगे देखते हैं। जैसे ही आपका किंड जो अरेस्ट था, पहला अरेस्ट कहाँ लगा था, पहला अरेस्ट लगा था जब आप एम्ब्रियोनल स्टेज पर थे और आपके पास एलएच की डेफिशिएंसी थी, तो आप नहीं बना पा रहे थे, एलएच नहीं होता तो वो न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन नहीं आएगा, तो फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा था, तो वो तब था। जैसे वो मैच्योर हुआ 11-12 साल की, जब वो फीमेल होगी तो वो एलएच बनना शुरू हो गया, और हाई एलएच की आपका जो प्राइमरी ऊसाइट है वो कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी ऊसाइट में, लेकिन सेकेंडरी ऊसाइट फिर अरेस्ट लग गया उसके मेटाफेज सेकंड के अंदर, और अब जब उसको ये सारी चीजें मिल चुकी हैं, तो वो अब आपका जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करता हुआ कहां पहुंच गया, क्या बना दिया उसने, एग या ओवम। अब आपके पास पोलर बॉडी कितनी है, टोटल पोलर बॉडी कितनी है, 3। अब बोलोगे सर ये 3 कैसे हो गई, 3 कैसे हुई, एक तो पहले बनी हुई थी, एक पोलर बॉडी पहले की बनी हुई थी, तो वो भी डिवाइड करती है, तो वो बनाएगी 2, और जो आपका ऊसाइट था वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा मेन ओवम के अंदर, और आपकी जो तीसरी जो पोलर बॉडी है, तो टोटल सेल कितनी मिली है, टोटल सेल तो देखो 4 ही है अभी भी, तो आपको पता है मियोसिस के बाद 4 सेल मिलती है, लेकिन ये जो 3 आपकी छोटी वाली जो पोलर बॉडी है, ये तीनों के तीनों डिलीट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट कौन है, ओवम, हमें ये एक ही रहेगा। क्लियर है बेटा, बात समझ आ गई, बात समझ आई बेटा? यस सर। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे ही आपका मियोसिस सेकंड खुल गया, आप चले गए एनाफेज सेकंड में, और एनाफेज सेकंड से आप चले गए लास्ट टेलोफेज सेकंड के अंदर। राइट, देन अब आपको लास्ट में क्या मिला, टोटल 4 सेल मिली है, 4 में से 3 को बोल रहे हैं पोलर बॉडी, ये बनी है पोलर बॉडी सेक, और जो ये तो है आपकी कौन सी वाली, जैसे हम बात करें वो थी प्राइमरी पोलर बॉडी ना, पहले वाली कौन सी थी बेटा, प्राइमरी पोलर बॉडी, तो ये प्राइमरी पोलर बॉडी ने 2 बनाई, और ये जो बनी इसको क्या बोल रहे हैं, सेकंड पोलर बॉडी, ये सेक, तो टोटल आपके पास 3 पोलर बॉडीज आ गई, क्या आ गई, टोटल 3 पोलर बॉडी, लेकिन जो ये वाली थी ये थी प्राइमरी पोलर बॉडी, और जब ये दोबारा से आपके जो आपका सेकेंडरी ऊसाइट था उसने जब फर्दर डेवलपमेंट की, तो डिवीजन किया, तो जो ये डिवीजन कौन सा कंप्लीट हो रहा है आपका, सेकंड वाला मियोसिस, तो उसने रिजल्ट में आपको ओवम दिया और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी दी, तो टोटल पोलर बॉडी पूछे तो वो 3 है, लेकिन आपसे पूछे कि प्राइमरी पोलर बॉडी कितनी है, तो 2, और सेकेंडरी पोलर बॉडी कितनी है, 1 नंबर में, तो ये सेकेंडरी पोलर बॉडी है और ये प्राइमरी की 2 है, समझ आ रही बात, तो टोटल हमारे पास 3 पोलर बॉडी आ गई, और लास्ट में आपके पास क्या बन गया, एग या ओवम, क्या बोलते हैं उसको, एग और ओवम। बेटा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। बिल्कुल क्लियर है ना बेटा, डाउट नहीं रखना, किसी को कोई कंफ्यूजन हो अभी पूछो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हम आगे तभी चलेंगे जब आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर आपको समझ आया तभी हमने आगे चलना है। सर ये पोलर बॉडी वाला दोबारा बताना। मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, देखो फिर से देखो, हम बात क्या कर रहे थे बेटा, हम शुरू से देखते हैं एक बार, दोबारा से मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ कि मेरे पास क्या था, जैसे ही आपका फीमेल जब के खुद क्या थी बेटा, वो एम्ब्रियो थी, वो एम्ब्रियो थी, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसकी जो प्राइमोडियल जर्म सेल थी उसी टाइम एक्टिवेट होगी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइमोडियल जर्म सेल ने क्या बना दिया,
आपकी पहली सेल बना दी जिसको हम क्या बोलते हैं ऊगोनियम। क्या बनाई? ऊगोनियम। ऊगोनियम आगे चली और उसने क्या किया, फर्स्ट म्योसिस शुरू कर दिया, कंप्लीट नहीं किया, शुरू किया। तो जब फर्स्ट म्योसिस शुरू हुआ तो क्या बन जाता है बेटा आपका, क्या बनता है फर्स्ट, जब सॉरी ऊगोनियम है उसने क्या किया, ऊगोनियम ने क्या किया माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या बन गया आपका, आपकी बनी प्राइमरी ऊसाइट। क्या किया? माइटोसिस, और क्या बन गया? प्राइमरी ऊसाइट। अब प्राइमरी ऊसाइट को आगे करना होता है और वो मियोसिस होता है पहला, राइट। इस मियोसिस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एलएच, क्योंकि वही करवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब वो एलएच, अब वो खुद एम्ब्रियो में तो एलएच है नहीं, तो आपकी जो प्राइमरी ऊसाइट है उसका अरेस्ट लग जाएगा मियोसिस फर्स्ट में, और किस स्टेज में लगेगा बेटा, डिप्लोटीन प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में। अब ये आगे जा ही नहीं पाएगी, तो जैसे वो 12 से 13 साल पिगोटी स्टेज पर पहुंचेगी तब उसको एलएच मिलेगा, और ये आपका जो मियोसिस वन है वो कंप्लीट होके आपको क्या देगा, आपको देगा प्राइमरी ऊसाइट से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा सेकेंडरी ऊसाइट। क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी ऊसाइट, और साथ में एक पोलर बॉडी, और इसको बोलोगे प्राइमरी पोलर बॉडी। क्या बोलोगे? प्राइमरी पोलर, पहली बार बनी है ना, क्योंकि जब भी तो दो सेल मिलती है तो दो सेल आपको मिलगी, ये दो सेल आपको मिलगी। जैसे ये दो सेल मिली तो एक बड़ी है एक छोटी है, जो बड़ी है उसको मैं बोल रहा हूँ सेकेंडरी ऊसाइट, जो छोटी है उसको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी पोलर बॉडी। अब क्या हुआ, अब उसको जाना चाहिए आगे अब उसको आगे जाना चाहिए मियोसिस सेकेंड ये यूज करेगी, लेकिन मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में दोबारा अरेस्ट लग गया। क्यों अरेस्ट लगा? क्योंकि यहां आपको आपके पास एक चीज है मॉस। क्या है? मॉस। मॉस क्या कर देता है? इनिबिट कर देता है किसको? एपीसी को, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को। और जब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स हाइड हो जाएगा तो आपकी मेटाफेज से आगे किसमें नहीं जा पाएगी, एनाफेज टू के अंदर, तो अरेस्ट लग गया। अब वो ये अब एपीएस कैसे काम कर पाएगा, जब आप मॉस को हाइड करोगे। मॉस को हाइड कौन कर सकता है? मॉस को हाइड करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा हमारा, उसका नाम है कैम। पर कैम सोया हुआ है। कैम क्यों सोया हुआ है? क्योंकि कैम को नहीं, कैम को चाहिए, जगाने वाले चाहिए होते कैल्शियम आयन। क्या चाहिए बेटा? कैम को चाहिए कैल्शियम आयन, राइट। अब ये कैल्शियम आयन कौन लेके आएगा? जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है तो स्पर्म की एंट्री से जो एग का साइटोप्लाज्म होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके मेटाबॉलिज्म के एक्टिवेट होने से उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जो कैल्शियम आयन है वो आजाद हो जाते हैं, और कैल्शियम आयन जैसे आजाद होंगे तो वो किसके पास, किसको जगाएंगे? कैम को। कैम के जागने से क्या होगा? मॉस आपका इनिबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इनिबिट। और इसके इनिबिट होने से क्या होगा? एपीएस फ्री हो जाएगा, और जैसे ही आपका एनाफेज प्रमोटिंग फ्री होगा आप चले जाओगे, कंप्लीट कर लोगे मेटाफेज से एनाफेज टू में आ जाओगे, और एनाफेज टू से आप चले जाओगे प्रोफेज टू को कंप्लीट कर लोगे, राइट। तो इस तरीके से आपका, सॉरी टीलोफेज है ना, तो लास्ट जो पहला प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज, आप लास्ट टीलोफेज को कंप्लीट कर लोगे। और इस तरीके से जैसे ही आपका सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होगा, रिजल्ट में जो आपको निकल के आएगी सेल वो क्या होगी? ओवम, साथ में वो बनाएगी सेकेंडरी ऊसाइट, और जो अभी आपके पास एक जो प्राइमरी बॉडी थी वो बनेगी दो। नेक्स्ट फर्दर आपकी जो ये तो थी प्राइमरी बॉडी, और ये क्या बन गई आपकी? सेकेंडरी बॉडी, और ये भी बन गई सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो टोटल कितनी बॉडी होगी आपके पास? थ्री पोलर बॉडी। अब क्लियर हो गया बेटा सभी को? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो अब आगे देखो, अब हमारे पास क्या हुआ है, अब हमारे हमने बात कर ली कि जैसे सेकेंडरी ऊसाइट का मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ तो आपको रिजल्ट में चार सेल मिलती है, लेकिन चार में से तीन वो सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है जिनको हम डीजेनरेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लिखा ना डिग्रेडेड पोलर बॉडी, ये खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर क्या है? डिस्कार्डेटिंग मटीरियल है। क्या है? डिस्कार्डेड जेनेटिक मटीरियल। और ये क्या बना रही है बेटा? एग और ओवम। क्या बना रही है बेटा? एग और ओवम, और आपको रिजल्ट में मिल जाएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब ये हम बात देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस चेकआउट कर लेते हैं कि भाई आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस और आपकी ऊजेनेसिस में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो कहता है अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हो तो कोई
अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं आती, लेकिन ऊजेनेसिस में जाते हैं तो हमें दो अरेस्ट मिलते हैं। पहला अरेस्ट ये याद करना है, पहला अरेस्ट हमें कहां मिलता है, प्रोफेज फर्स्ट मतलब मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के G2M चेक पॉइंट पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला अरेस्ट कहां लगा बेटा, प्रोफेज फर्स्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको तो मतलब तुम स्टार डालना और हाईलाइट करना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपसे पूछेगा कि दो अरेस्ट है, पहला अरेस्ट कहां लगा, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के G2M चेक पॉइंट पर, और दूसरा कहां लगा बेटा आपको, मियोसिस सेकंड के मेटाफेस सेकंड पर। क्लियर है, ये दोनों अरेस्ट याद हो गए बेटा सभी को? यस सर। कौन सी फेज लगेगा अरेस्ट, क्या बोल रहे हो बेटा, प्रोफेज फर्स्ट में कौन सी स्टेज हो रहा था ना? देखो एक होता है, फिर से सुनो एक बार, हमारे पास एक होता है बेटा माइटोसिस, माइटोसिस को क्या बोलते हो, समसूत्री, क्या बोलते हो, समसूत्री विभाजन है ना। लेकिन एक होता है मियोसिस, जब मियोसिस होगा ना यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, वो दो तरीके से होता है, एक होता है मियोसिस वन, एक होता है मियोसिस टू। तो जब जो मैं बात कर रहा हूं, पहला जो अरेस्ट है वो कब हो रहा है, वो हो रहा है, अब इसके फर्दर चार पार्ट है, एक दो तीन चार, इसके भी चार पार्ट है। ये होगा प्रोफेज वन, क्या बोलते मेटाफेज वन, एनाफेज वन, और लास्ट क्या होगा, टीलोफेज वन। सेम यहां पर भी होगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ये समझ आई, ये क्लियर हुआ बेटा आपको? यस सर। मतलब मेरे पास जो मियोसिस है बेटा, जो मेरे पास मियोसिस है वो दो दो फेज में होता है, पहला फेज है उसका मियोसिस वन, दूसरा फेज है मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस वन है उसको फर्दर हम चार पार्ट में बांटते हैं, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। सेम एज इट इज, मियोसिस सेकंड को भी हम दो चार पार्ट में बांटते हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। लेकिन जो प्रोफेज वन है उसका जो मियोसिस वन है उसका जो प्रोफेज वन है उसको फर्दर आप कितने पार्ट में डिवाइड करते हो बेटा, फाइव पार्ट में। पहली स्टेज, एक मिनट रुकना मैं दूसरा कलर पेन यूज करता हूं, एक दो तीन चार पांच, पहली स्टेज कौन सी आती है, लेप्टोटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर पैकेटीन, फिर जाइगोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। ये पांच स्टेजेस आती हैं सिर्फ प्रोफेज वन में, इसमें आएगी बेटा प्रोफेज वन के अंदर, बाकी सिर्फ सिंपल चलते हैं, बस इसी को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो वो कहता है, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, कहता है कि जब आप बात करते हैं ऊजेनेसिस की तो उसमें दो अरेस्ट लगते हैं, पहला अरेस्ट लगता है प्रोफेज वन में, ये है प्रोफेज वन, प्रोफेज वन में किस पे, G2M चेक पॉइंट पर, यानी उसकी किस स्टेज पर लग रहा है आपको, उसकी डिप्लोटीन स्टेज के ऊपर। कहां लग रहा है बेटा, ये जो डिप्लोटीन स्टेज है यहां पर अरेस्ट लगा हुआ है। अब क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ आपको? यस सर। कि मैंने बात की जो पहला अरेस्ट कहां लगेगा, मियोसिस के, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज पर लगा, और वो भी यहां पर G2M चेक पॉइंट पर। क्लियर हो गया महिमा? क्लियर हुआ आशीष? क्लियर हुआ? यस सर। ये याद ना कि जो पहला अरेस्ट लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि LH नहीं है। LH क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आप एम्ब्रियो स्टेज में हो, तो वो क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट चल रहा था, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट थी उसकी जो डिप्लोटीन थी उसकी G2M चेक पॉइंट पर लगा है, राइट, G2M चेक पॉइंट के ऊपर लगा और आपकी जो सेल थी वो डिप्लोटीन स्टेज पर अरेस्ट कर गई। दूसरा जो लग रहा है, अब हम बात करें जो दूसरा उसने लिखा है, मियोसिस सेकंड के मेटाफेस सेकंड पर, तो कहता है दूसरा जो अरेस्ट लगा है वो लगा है मियोसिस सेकंड के मेटाफेस सेकंड के ऊपर, राइट। अब क्लियर हो गया, दोनों अरेस्ट याद हो गए? यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो आगे उसने बोला और क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं, बोलता है दूसरी बात, आगे हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो आपको रिजल्ट में चार गैमेट मिलते हैं, चार स्पर्म बन के आते हैं, और लेकिन जब आपका ऊजेनेसिस होता है तो आपको क्या मिलता है बेटा, सिर्फ एक सिंगल सेल मिलता है। ऐसा देखा हमने, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, वहां पर हमारे पास क्या हो रहा था बेटा, कि एक मेन बन रहा था ओवम और तीन क्या बन रही थी, पोलर बॉडी। होती तो चार ही है लेकिन ये चार तीन क्या कर देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, सिर्फ एक ओवम रखते हैं जिसका न्यूक्लियस हो गया, एक ओवम रखा आपने,
इसलिए ऊजेनेसिस के रिजल्ट में आपको क्या मिली, सिर्फ एक ही सिंगल एग मिला, राइट। लेकिन यहाँ कितने मिले हैं, फोर सेल, कितने मीटर कितने मिले आपको, फोर गैमीट। आगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें वो साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, और लेकिन जो स्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मोटाइल नेचर, वो मोबिलिटी करता है, घूम फिर सकता है। जो ऊजेनेसिस के दौरान आपको जो मिला, जो एक सेल मिली, वो लार्ज साइज की होती है, मोटाइल, वो घूम फिर नहीं सकती, उसमें एक्टिविटी नहीं होती, उसमें लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि लोकोमोशन के लिए क्या चाहिए होता है, टेल किसके पास होती है, स्पर्म के पास। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इक्वल न्यूक्लियर एंड इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आप देख रहे हो ना, यहां पर एक बड़ी बनी, बाकी छोटी छोटी बनी, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, इक्वल न्यूक्लियर एंड इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसलिए आपको चार सेल बराबर मिलती है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बराबर बराबर बढ़ते हैं। लेकिन ऊजेनेसिस में क्या होता है, ना ही तो न्यूक्लियर डिवीजन, सॉरी यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस तो बराबर बराबर बट गए, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो अनइक्वल होता है। इस चीज को याद रखना, मतलब ये भी एन डिप्लॉयड है, ये मतलब इन सब में जो जैसे आपके पास क्या हुआ, आपके पास टोटल, अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको चार स्पर्म मिले, क्या मिले बेटा, चार आपके पास क्या मिले बेटा, स्पर्म मिले, राइट। तो जो चार आपको स्पर्म मिले हैं, चारों के पास जो ये जो चार आपको स्पर्म दिखाई दे रहे हैं, चारों के चारों जो स्पर्म है, इन सबके पास की क्या कंडीशन है, एन एन, कौन सी कंडीशन है बेटा, एन एन, यानी कि इनके पास सबके पास 23 23 23 और 23 क्रोमोसोम है। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है बेटा सभी को, यस सर। कीश, यस सर। तो इसमें क्या है कि हमें 23 क्रोमोसोम है, लेकिन तो इसका मतलब यह हुआ कि इनको, इनकी मदर सेल यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने जब इनको बनाया, तो इनको इक्वली साइटोप्लाज्म दिया, इक्वली क्या दिया, जेनेटिक मटेरियल, है ना, तेज तेज डाल दिए इसमें। लेकिन जब ऊजेनेसिस चल रही थी बेटा, तो ऊजेनेसिस के टाइम क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, तीन तो बनाई पोलर बॉडी और एक क्या बनाया, ओवम। तो उन्होंने क्या किया, इन सबको न्यूक्लियस तो सबको दिया, मतलब सबको दिया एन 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 एन, यानी सबके पास 23 क्या है, क्रोमोसोम, सबके पास कितने क्रोमोसोम है, 23। लेकिन साइटोप्लाज्म सबसे ज्यादा किसको दिया, उन्होंने सिर्फ ओवम को दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया। इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन बट अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। समझ आ गई, ये बात समझ में आई बेटा सभी को, यस सर। चलो आगे देखते हैं। तो उसने कहा कि हमारे पास जो है इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और इक्वल ही यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर। लेकिन जब अगर हम ऊजेनेसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, लेकिन अनइक्वल क्या हुआ है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन चला है। अनइक्वल क्या चला है बेटा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन चला है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। कहता जो फर्टिलाइजेशन के जो मेथड है, वो एक्चुअल में आपके पास कितने हैं, दो मेथड है। एक आपके पास मेथड है बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा आपके पास है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, आपको मीडियम चाहिए लिक्विड। तो अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक्सटर्नल बाह्य माध्यम में, एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं, मतलब जहां पर आपकी मीटिंग यानी मेल और फीमेल जो गैमेट आपस में मीट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और वो कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइज, उसको क्या बोलोगे बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज हमारे दिमाग, राइट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो कहां होता है, मोस्टली अकर इन द एक्वाटिक एनिमल, मोस्टली अकर इन वाटर, फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये जो प्रोसेस होगा वो फीमेल बॉडी से बाहर होगा, और ये देख रहे हो आप, तो यहाँ पानी है, पानी के अंदर आपने क्या डाल दिए, बहुत सारे आपके पास क्या है, ओवम पड़े हुए हैं, और वहीं हमने क्या सीक्रेट कर दिए बेटा, स्पर्म डाल दिए सारे के सारे, क्लियर हो रही बात। तो हमने क्या बात की, कि हमने बात की है
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कहाँ कहाँ हो रहा है, मोस्टली अकर इन द एक्वाटिक एनिमल, मोस्टली अकर इन वाटर, पानी में होगा, पानी की प्रेजेंस में होगा, और फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उससे बाहर होगा। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन फ्रेम उसको क्या बोलोगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो पानी में ही आपने क्या किया, ओवम भी सिक्रीट कर दिए और स्पर्म भी सिक्रीट कर दिए, तो यहां पर ना जो चांस है किसका, फर्टिलाइजेशन का, उसके कम हो जाते हैं। तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ ओवम और नंबर ऑफ स्पर्म्स बहुत हाई देने पड़ते हैं ताकि ये वो चांस आपका पॉसिबल हो। इतनी बात क्लियर है बेटा, सभी को समझ आ गई? यस सर। यस सर। अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास इसकी इसकी फायदे क्या है। अगर आपकी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो टाइम बहुत कम लगता है, रिड्यूस हो जाए, मतलब ज्यादा टाइम ही लगेगा आपको, ठीक है, टाइम इसमें आपको रिड्यूस रहता है। दूसरा, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम लार्ज नंबर ऑफ एग फर्टिलाइज्ड इन फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर क्या होगा, एक थोड़े समय में ही बहुत सारे एग आपके, क्योंकि आपने आपने क्या किया, पानी के अंदर डाले हैं, तो वहां बहुत सारे एग, एक तो बहुत सारे प्रोजेनी बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो स्मॉल, एक छोटे पीरियड के अंदर बहुत सारे जो एग है वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और क्या 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 कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। और अब इसकी लिमिटेशन क्या है, हमारे सामने लिमिटेशन क्या है, कहता है ओनली अकर इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये हमेशा कहां होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट शुड बी प्रोड्यूस। दूसरी बात, बहुत आपके पास क्या है, नंबर ऑफ गैमेट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां आपकी जरूरत क्या, किस बात की है, नेसेसिटी है कि आपकी एक मेन कंपल्शन है कि आपको बहुत ज्यादा नंबर में गैमेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पानी में डालना है और आप चाह रहे हो कि भाई मेरी बने प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो आपको बहुत ज्यादा नंबर में गैमेट बनाने पड़ेंगे। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, आप कम नहीं बना सकते, आपको ज्यादा ही बनाने पड़ेंगे। अगला, बिहेवियरल अडेप्टेशन, यानी कि माइग्रेशन टू लॉन्गर डिस्टेंस। एक्चुअल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिश ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इतना बड़ा आपका एक सी है, समुद्र है, फॉर एग्जाम्पल कोई राइट यहां पर ये फिश है, ये यहां रह रही है, लेकिन इसका जन्म इस वाले पॉइंट पे हुआ है, राइट? तो इसको माइग्रेट करना पड़ेगा दोबारा से रिप्रोडक्शन करने के लिए इस अपने पुराने वाले जगह पे। ये वापस जाएगी यहां पे, यहां पर ये अपने एग रिलीज करेगी और स्पर्म रिलीज होंगे, तब जाके वहां फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वो बड़ी होगी, फिर वो वापस आएगी अपने रहने वाले स्थान पर। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आपको क्या देखना पड़ता है, बिहेवियरल अडेप्टेशन, आपको माइग्रेशन करना पड़ता है, बहुत लंबा टाइम लगता है माइग्रेशन के लिए, राइट? दूसरा, सिंक्रोनाइज रिलीज ऑफ गैमेट। दूसरी बात, इस प्रोसेस के लिए आपके पास ये सिचुएशन भी जरूरी है कि आपके एग और स्पर्म एक ही टाइम पर रिलीज हो, क्योंकि पानी में अगर आप किसी जगह पर एग और स्पर्म को रिलीज करो, फर्टिलाइजेशन करना है, तो ये जरूरी है कि वहां पर मेल और फीमेल बॉडी एक ही टाइम पर स्पर्म और ओवम को रिलीज करे, तो ये भी कंपल्शन है। दूसरा, अगली बात, नो सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी एप्लीकेबल। यहां पर कोई भी सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये थ्योरी यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। बेटा सारी चीज समझ में आई बेटा, सब कुछ समझ में आया बेटा, ये लिमिटेशन पॉइंट समझ में आए बेटा? यस सर। यस सर। बस ये पढ़ने वाले हैं, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, है ना, सिंपल सी है। आगे देख लेते हैं बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। कहता है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है अकर विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्लियर है कि जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो रहा है। दूसरी बात, मोस्टली अकर इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनके अंदर होता है ज्यादातर, और गैमिट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट। ऐसा नहीं है कि एक्वाटिक में नहीं होता, जैसे आपने क्रोकोडाइल देखा है, टर्टल देखे हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है उनके अंदर भी, राइट? तो वो देखेंगे हम क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो कहता है जो ज्यादातर किस्म होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर होते हैं, और गैमिट कैसे बनते हैं यहाँ पर लार्ज नंबर में, सम सेक्स और यहाँ पर क्या होता है कि कुछ हमारे पास सेक्स ऑर्गन होते हैं जो डिस्चार्ज के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक होता है पेनिस और दूसरा होता है हेमी पेनिस, राइट? अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म में पेनिस मिलता है, किसी में हेमी पेनिस मिलता है, तो ये सेक्स ऑर्गन हम यूज करते हैं। दूसरा, जैसे अगर हम बात करें जो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ऐसा काम करते हैं, कुछ एनिमल है जैसे स्कॉर्पियन और स्पाइडर के अंदर क्या मिलते हैं, हमें स्पर्मिनल पैकेट मिलते हैं, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
स्कॉर्पियोन और स्पाइडर के अंदर हमें क्या मिलते हैं, पैकेट मिलते हैं। पैकेट किस चीज के, स्पर्मल, स्पर्मल मतलब जिसमें स्पर्म स्टोर होते हैं। तो स्कॉर्पियोन और स्पाइडर के अंदर क्या मिलता है बेटा, स्पर्मल पैकेट्स मिलते हैं। और बाकी के अंदर क्या होता है, उनको डिस्चार्ज करने के लिए आपके पास पेनिस या हेमी पेनिस एक ऑर्गन होता है। लेकिन बाकियों के अंदर क्या होगा, मतलब दो के अंदर, स्कॉर्पियो और स्पाइडर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, स्पर्मल पॉकेट्स मिलेंगे, राइट। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा कि पहली बात हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होगा, मोस्टली आपको कहाँ मिलेगी, टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर, और गैमिट वो भी लार्ज अमाउंट में। और जबकि अगर हम देखें मेल फीमेल में, तो मेल के अंदर तो जो नंबर ऑफ आपके पास गैमिट है वो हाई होते हैं, लेकिन फीमेल में एक ही होता है, राइट। ये चीज को हम देखेंगे अभी आगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और दूसरी बात, अगर हम बात करें डिस्चार्जल ऑर्गन की, तो एक पेनिस होता है, दूसरा हेमी पेनिस, और कुछ ऑर्गन के अंदर जैसे कि स्कॉर्पियन और जो स्पाइडर है उनमें हमें क्या मिलते हैं, स्पर्मल पॉकेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, स्पर्मल पॉकेट। समझ आ गया बेटा सभी को, समझ आया बेटा दोनों को? यस सर, यस सर। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी हम कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वो आगे देखते हैं, हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, शाम को हम इस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, ओके बेटा।